अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान हसन और आप देख रहे हैं ऑटो इनसाइट्स। आज हम आए हैं अलहक होंडा सेंटर, जो कि मेन चांदनी चौक पे है। रेड कलर करके लेके आए हैं होंडा सिटी 70, जो कि रेड कलर में मुतारिफ करवाया कंपनी ने। इसका ओवरऑल एक रिव्यू लेके आए हैं। इसकी जो प्राइस है, प्राइस प्रीवियसली इंक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज आया वो सारा भी आपको बताएंगे। और रेडली डिलीवरी है या फिर बुक करवाना पड़ेगा उसका भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। इस पे बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक देखिए, एक घंटे इसकी लेटेस्ट प्राइस भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारा होंडा सिटी 70 2024 मॉडल है, इसके ग्राफिक्स को देख लिया जाए, जो कि इसमें मेजर चेंज की है। इसके अलावा तो और कोई भी चेंज नहीं की गई। सबसे पहले इसमें एक ब्लू कलर मुतारिफ करवाया, जिसका भी रिव्यू लेके आया हूँ। उसमें कलर चेंज किया है, ग्राफिक्स चेंज किए हैं। ग्राफिक्स में लाइट ब्लू, लेमन और डार्क ब्लू का कम्बिनेशन उन्होंने बना के नए ग्राफिक्स दे दिए हैं। पेंट क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इनके पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। जो साइड कवर है उसके ऊपर हमें सिटी 70 की सिर्फ एक लेबलिंग कोटेशन मिल रही है। पहले इनके कैश डिपॉजिट वगैरह लंबा लंबा इन्होंने लिखा होता था, वो इसमें नहीं मिल रहा। शॉक्स के ऊपर बात करूँ तो रेड में इसके शॉक्स मिलते हैं, जो ब्लू कलर उसमें ब्लू में दे दिया है। सीट के नीचे वाला जो फ्रेम है वो भी सारा हमें रेड में देखने को मिल रहा है। 9 लीटर का ऑलमोस्ट इसमें टैंक है। सीट के ऊपर बात करूँ तो सिंपल 2 बंदों के लिए सीट है, लेकिन हमारे यहाँ 3 बंदे भी बैठ जाते हैं इजीली। होंडा पीछे लिखा हुआ है और इसमें छोटा सा एक सिंपल सा कैरियर दिया है, जो कि एक अपनी चीज़ों वगैरह को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब अगर इसके फ्रंट पे स्टार्ट करता नहीं, उसकी हेडलाइट वगैरह, तो इसके अंदर सिंपल एक हैलोजन बल्ब दिया गया है। इसके जो साइड पे शेप वगैरह वो रेक्टेंगल शेप दी गई है। बैक पे जो उसके हैंडी वगैरह वो सारे फाइबर में है। ओवरऑल इसमें किसी किस्म के चेंज नहीं किया गया। जो होगा हमें 2023 मॉडल मिल रहा था, वही हमें 2024 मॉडल में भी दिया जा रहा है। साइड इंडिकेटर सेम वही हैं जो हमें सिटी 70 में मिलते हैं, CB125F में मिलते हैं। ऊपर हमें होंडा का मीटर दिया जाता है, नीचे हमें हॉर्न दिया जाता है। हॉर्न मुझे सिटी 70 का पसंद है, कभी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। वैसे सिटी 70 की जितनी भी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं। इसके साइड पे हमें साइड लॉक भी हैंडल पे मिलता है। और फ्रंट पे जो शॉक्स हैं वो अप साइड डाउन इसमें शॉक्स दिए गए हैं। इनमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की गई। इसमें जो मड गार्ड है, शाइनिंग मेटल में मड गार्ड दिया गया है। फ्रंट पे टायर का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। टायर इस बाइक के हिसाब से सही है, क्योंकि इसकी एवरेज तकरीबन अच्छी आती है। इनके साथ 2.25/17 के इसमें टायर है, 17 इंचेस का इसमें जो है स्पोक्स वाला रिम दिया गया है, स्पोक्स हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर हमें सिंपल ड्रम ब्रेक दी जाती है। कम से कम हमें इसमें कुछ चेंजेस वगैरह तो देनी चाहिए थी एज प्लेस सेल्फ की। मीटर के ऊपर बात करूँ तो इसमें वही मीटर है, किसी किस्म के इसमें RPM मीटर नहीं ऐड किया। और यहाँ पे आपको इसको कीज़ वगैरह मिल जाती हैं। ये जो कीज़ हैं इनमें थोड़ा चेंजिंग की है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनकी जो ऑन ऑफ ऑफ का स्विच है वो काफ़ी स्मूथ कर दिया है। मीटर की फिनिशिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह सेम है जैसे कि हमें 2023 के मॉडल में मिलती थी। राइट साइड पर कोई ग्रिप नहीं है, एटलीस्ट सेल्फ स्टार्ट देना चाहिए था इस बाइक में, क्योंकि हमें चाइनीज़ के जितनी बाइक्स हैं उनमें सेल्फ स्टार्ट लाजमी मिल रहा है। हैंडल यू हैंडल मिलता है, जो कि क्रोम में है। लाइट ऑन ऑफ और जितनी भी ग्रिप्स हैं इनको इन्होंने थोड़ा स्मूथ कर दिया, थोड़ी नरम फील हो रही है। क्लच लेवर भी काफ़ी नरम है। हॉर्न के ऑप्शन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका फ्रेम वगैरह भी आपके सामने है। साइड पे हमें इस नीचे हैंडल लॉक मिलता है। बैक पे अगर आप आता जाऊँ तो इसके अंदर सिंपल दिल वाली लाइट है, जो कि रेड के फ्रेम में आती है। इसकी भी क्वालिटी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं की गई। इसके अंदर हैलोजन बल्ब यूज़ किया जाता है, सेम इंडिकेटर्स, और बैक पे नंबर प्लेट लगाने की ऑप्शन मिलती है। थोड़ी सी प्लेट दी गई है। बैक पे भी जो मड गार्ड है वो सारा क्रोम में दिया गया है, और नीचे जो इसकी टेल है वो छोटी सी ब्लैक में प्लास्टिक की मिलती है। अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करता चाहूँ तो बहुत से लोग कहते हैं यार होंडा में कोई चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप होंडा को प्रमोट करते हैं। उसकी वजह यह है कि होंडा के जो इंटरनली पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए होते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म आपको साथ देता है। चाइनीज़ बाइक अगर आप लेते हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम नहीं चलता। इसके अंदर सर्विस का टायर यूज़ किया गया है, 2.75/17 का टायर है। 17 इंचेस का इसमें स्पोक्स वाला रिम दिया है। स्पोक्स भी इसमें सेम है। इसकी स्पोक्स का ये होता है कि आपको जब भी नया बाइक लें तो आपको इसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ती है, क्योंकि होंडा के नए बाइक्स में अलाइनमेंट नहीं आई, तो ये एक इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, डाउन पॉइंट है। इसके अलावा इसमें जो साइलेंसर दिया है वो भी क्रोम का साइलेंसर है, उसमें भी चेंजेस नहीं की गई। बीच में एक 2013 में इन्होंने साइलेंसर दिया था, जो कि ब्लैक कोटेड साइलेंसर सीडी ड्रीम में आया था, लेकिन उस तरह का भी कोई वगैरह चेंजेस में नहीं दी गई। फुटरेस्ट वगैरह को काफ़ी स्मूथ कर दिया है। किक स्टार्ट आती है, कम से कम इन्हें एटलीस्ट सेल्फ स्टार्ट देनी चाहिए थी। इसके अलावा ब्रेक लीवर वगैरह सब सेम है। इंजन के ऊपर बात करते चाहें तो 72 cc के क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और फुल इसमें सिल्वर कलर कर दिया। पहले 2021 से इसको चेंज किया था इसके इंजन का कलर, और कहा था कि इसके अंदर 110 चेंजेस किए हैं, 109। और इसके अलावा इसका कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। एवरेज के ऊपर बात कर लें तो चलाने के ऊपर वैसे तो बेस्ड करता है, लेकिन मैं पर्सनली, मेरे पास भी एक सिटी 70 है 19 मॉडल, वो मुझे तकरीबन एवरेज देता है 45 से 50 किलोमीटर/लीटर की। ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, वो 19 मॉडल और बात है, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा हमें फ्यूल का सिस्टम वगैरह यहाँ पे मिलता है, ऑन ऑफ और रिजर्व।
बाकी बाइक अगर आप इकोनॉमिकली देखते हैं तो बेहतरीन बाइक है सिटी यूज़ के लिए, कभी आपको लॉन्ग टाइम के लिए तंग नहीं करेगा। यही आप अगर चाइनीज़ बाइक लेंगे थोड़े ज़्यादा फीचर के साथ, वो आपको उनकी अंदर इंटरनल पार्ट इतने अच्छे नहीं होते, आपको एवरेज इतनी अच्छी नहीं देंगे, बजाय देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ गियर्स के बारे में बात करता हूँ तो चार इसमें गियर आते हैं, और इसकी जो टॉप स्पीड है तकरीबन 100 तक इसकी टॉप स्पीड है, वो भी आफ्टर ट्यूनिंग। वैसे इसको वाइब्रेशन वगैरह इसमें आपको फील होने लग जाएंगे 100 की स्पीड पे। स्मूथ ये बाइक चलता है 60 स्पीड तक। इसके अलावा इसमें चेन कवर जो है मेटल में दिया है, सिल्वर की इसमें सारी एक कलरिंग स्कीम यूज़ की गई है। टायर पीछे आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर 2.75/17 का दिया गया है। अब एट दी एंड इस बाइक की जो प्राइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस पिछले दिनों इंक्रीज़ हुई है और 1,57,900 इस बाइक की प्राइस कर दी है, ऑलमोस्ट 1,58,000। और इसकी अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस के ऊपर बात करते चलें तो जिस तरह जिस तरह प्राइस इंक्रीज़ होती है उस तरह रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी इंक्रीज़ होती हैं, क्योंकि वो प्राइस के 2% होती हैं। और इसके अलावा आपको 3,000 या 2,000 इसका लाइफ टाइम टोकन का देना पड़ता है। रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दो हम याद रखें, अल्लाह हाफिज़।